हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी मैटर जो होता है ना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैटर में भी है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस। यहाँ पे हमें कंसर्न किससे करना है? सॉलिड से करना है। सॉलिड आप लोग ने इन योर लोअर क्लासेस पढ़ा है, इन क्लास 9th हो, सो यू हैव रेड इट। ओके, नाउ सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती। पहला तो ये होता है कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि सपोज सॉलिड है तो सॉलिड किस एटम से बना है, आयन से बना है, ओके, उसमें मॉलिक्यूल्स है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उनका नेचर कैसा है, ओके, उस नेचर के हिसाब से उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी। नाउ सेकेंड इज द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो दो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर में, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं, उसे हम बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। ज़्यादा है, कम है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग फोर्स। सो अब आपको ये समझ आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑप्शन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकेंड रहेगा बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देम, थर्ड है बोथ, एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। सो आंसर क्या होगा? बोथ। ओके, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड बाइंडिंग फोर्सेस। नाउ सही, व्हाट आर द वेरियस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी सॉलिड्स होते हैं उनकी व्हाट आर द जनरल फीचर्स व्हिच इज कॉमन टू एवरी सॉलिड। सबसे पहले डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप, उनका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। थर्ड इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which are acting between the particles, they are very strong, means binding forces between the particles are strong. For this, fixed point of the constituent particle, जो constituent particles होते हैं क्या हो सकते हैं? Atom हो सकता है, ion हो सकता है, कोई molecule हो सकता है, okay? So उनकी जो place होती है in a lattice structure, that place is a fixed position, okay? अब क्या है? नेक्स्ट, बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजिशन, दे कैन ऑसिलेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। बेसिकली जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी रिजिड, ओके, दे आर इन इनकम्प्रेसिबल, यू कॉन्ट कंप्रेस द सॉलिड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। नाउ we will see the classification of solid. So basically on the broad classification, on the basis of nature of the order of constituent particles, ye constituent particles hain, unka arrangement kaisa hai structure mein, okay, that is called as the nature of order of constituent particles. On that basis solid can be classified in two categories. This is a very broad classification. First is crystalline solids. So let's begin with the classification of solids. Sabse first, the solids and they are divided in two categories. First is crystalline solid and the second is amorphous solid. Abhi kis basis pe divide kiye gaye hain? On the basis of the constituent particles order, okay, the order of the arrangement of the constituent particles. In crystalline solids, see, as the name suggests, crystalline matlab crystals. They have definite shape, they have definite geometry, और वो कैसे होते हैं? They are long range order, okay? इसका मतलब क्या होता है? जो भी एक unit structure present होगा उनके crystalline structure में, that repeat itself periodically. Example होता है NaCl and quartz crystal. Now amorphous solid. Amorphous means it has no form. Okay, the particles or the constituent, they are present in the irregular shape, irregular manner, और जो वहाँ पे repeating unit cell होता है
वो कैसे रिपीट करता है? इन एन इरेगुलर फैशन, ओके, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, स्कैटर्ड अरेंजमेंट, ओके. इसका एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज, ग्लास, एमॉर्फस, ओके. क्रिस्टलाइन में क्या एग्जाम्पल है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन. एमॉर्फस एग्जाम्पल इज क्वार्ट्ज ग्लास. NaCl इज ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर.